हेलो प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग कर रहे थे मोशन इन 2D, ठीक है। 2D डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, नीट के प्रीवियस ईयर के 31 ईयर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और पहला लेक्चर आप देखे होंगे, दूसरा भी देखो और जो आगे है और भी इसमें अगर होगा तो और भी लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, कहता है ये पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर, ये काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ठीक है, ये, और इस सर्कल का रेडियस जो है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है यार। तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 10⁻²⁰ मीटर हो गया, ठीक है, सबको पता है। और टाइम पीरियड भी दिया हुआ, तो एक्सलेशन, अब देखो एक्सलेशन पार्टिकल में सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, आपको पता है सर्कुलर काइनेमेटिक्स अगर आप पढ़े होगे तो आपको ये बात पता होगा कि अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है यार, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सलेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होती है, जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन होता है, AC, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, डायरेक्ट फार्मूला भेजता, ओमेगा इज इक्वल टू 2πt टाइम पीरियड, ठीक है, का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू डाल दो, ठीक है, वैल्यू डालोगे तो कितना होगा भाई, सॉल्व कर लो इसको, कर लोगे, कर दूं, ए 4πa² टाइम पीरियड 0.4πa², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.04πa², ठीक है, और 5 × 10⁻², तो πa² ने πa² को, 4 ने 4 को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 10, 5 × 10⁻², तो 10⁻², मतलब 5 इसका सोल्यूशन सही है, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो ये देखो, एक मिसाइल है, ठीक है, इज फायर्ड, इस तरह से फायर्ड होता है कि मैक्सिमम रेंज फायर्ड फॉर द मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को निकालना है रेंज ऑफ द मिसाइल। देखो, एक मिसाइल हम लोग लॉन्च करते हैं, फायर्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक मिसाइल फायर्ड कर दिए, ठीक है, और ये कुछ एंगल है, ऐसा है कि मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। आपको पता होगा, आप प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे, तो रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब ये थीटा एक स्पेशल थीटा होता है, और वो 45 नॉर्मल थीटा है स्पेशल। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा 2θ, दैट इज अपन g, ठीक है। अब रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 होगा, थीटा 45 होगा तो साइन 90u हो गया ओवर g, ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया। u आपको दिया हुआ है कितना है, 20 का स्क्वायर है 400 और डिवाइडेड बाय 10g, मतलब 40 मीटर जो है वो मैक्सिमम रेंज है। अगर आप स्पीड 20 से फेंकते हो 45 डिग्री पे, तो 40 ही जाएगा यार, मैक्सिमम 40 ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है ना, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट, एक बॉडी जो है ईस्ट में जा रही है, जाने तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, बट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, देखो, ईस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 मीटर इट वेलोसिटी बिकेम 40 टुवर्ड द नॉर्थ। अब देखो वेलोसिटी बदल गई है, कैसे, 10 सेकेंड बाद 40 मीटर नॉर्थ हो गई, ईस्ट में इधर ले लिया था, नॉर्थ ऊपर ले लूँ, ठीक है, नॉर्थ 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको जो वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगा वो 10 सेकेंड, ये V1 था और इसको मैं V2 मान लेता हूँ। पहले गाड़ी ऐसे जा रही थी, फिर बाद में ऐसे हो गई, अब वेलोसिटी ऐसे चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी ऐसे चेंज नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी एक्सलेशन, देयर मस्ट बी फोर्स, ठीक है, बिना अगर वेलोसिटी बदली है फिजिक्स में, चाहे वो डायरेक्शन में क्यों ना बदले, तो एक्सलेशन होगा और वहाँ पर फोर्स होगा, वेलोसिटी ऐसे कोई बदल नहीं सकता ना यार, ठीक है। चलो, तो एवरेज एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, एवरेज एक्सलेशन, अब आप एवरेज एक्सलेशन निकालना, तो एवरेज एक्सलेशन का क्या डिफिनेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी और उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टी। अब ये एक्चुअली वेक्टर है, तो इसका चेंज निकालने के लिए, आपको पता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, 30 वाले को आगे बढ़ा दो, ठीक है, 30 वाले को आगे बढ़ा दो, तो चेंज कैसे निकालोगे, V1
और बी वन माइनस बी टू का मॉड, ऐसे ही तो चेंज निकलेगा डेल्टा भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू बी वन बी टू कॉस 90, दैट इज डेल्टा वी, ठीक है। तो ये अंडर रूट, क्लियर है। अब यार 40 का 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर, ठीक है, 400 प्लस 30 का स्क्वायर, ये अंडर रूट दैट इज डेल्टा वी 2500, ठीक है, 1600 900, ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी अगर 50 आ जाएगा और इसको चेंज होने में 10 सेकंड लग गया, तो एवरेज एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट कहता है, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करो। देखो खुद जो है ये कहता है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर इनिशियल वेलोसिटी इतना है और जो एक्सलेशन है, इनिशियल एक्सलेशन 4.5i कैप है और 4.3j कैप, ठीक है, क्लियर है। चलो ग्रीन से लिखते हैं यार, बहुत मन कर रहा था। इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद कितनी स्पीड होगी, 10 सेकेंड बाद हम लोगों को स्पीड निकालना यार, ठीक है। आपको पता है कि 10 सेकेंड बाद अगर देखो स्पीड कैसे निकाला जाए, एक तो तरीका है इनको अलग अलग निकाल के रिजल्टेंट ले लें, 10 सेकेंड बाद एक्स एक्सिस में निकाल लो, वाई एक्सिस में निकाल लो, फिर रिजल्टेंट ले लो वेलोसिटी का, वही स्पीड होगा, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो डायरेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, ये कलर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लगा दूं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डायरेक्ट लगा दूं, तो फाइनल वेलोसिटी स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, v इनिशियल वेलोसिटी देखो वेक्टर में कितना है, वेक्टर में ऐसे लगाते ना इसको, इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप लिख सकता हूँ, और प्लस एक्सलेशन लिख सकता हूँ, एक्सलेशन इधर है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना यार टाइम, भाई टाइम किधर गयो, टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। ये अब ये हमें वेलोसिटी एज ए वेक्टर मिल जाएगा, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी यही होगी। चलो देख लेते हैं कितना होता है, तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और प्लस ये 4i कैप और प्लस 3j कैप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेलोसिटी है वो 7i कैप प्लस 7j कैप, दैट इज़ द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, मतलब एक्स एक्सिस में 7 होगा और वाई एक्सिस में भी 7 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने सबको आता होगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और अगर 7 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7√2 होता है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है, B1 इज द करेक्ट, ठीक है, बी इसका सही है, क्लियर है। फटाफट करो क्वेश्चन। चलो ये देखो, ये एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर से रिलेटेड है। स्पेस में कुछ वेक्टर दे दिए गए हैं आपको, तो उसमें से क्या था, 6 वेक्टर दिया है इंडिकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन वेक्टर को देख के एडिशन निकालना। अब जिस बच्चे को वेक्टर का एडिशन आता होगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा नहीं कर पाएगा। वेक्टर एडिशन क्या होता है बताऊं भाई, सबको पता होगा वेक्टर एडिशन, भाई ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो जब मैं मिलाऊंगा तो बनेगा ए प्लस बी, एक नया वेक्टर बनेगा, तो इसका नया नाम दे देते हैं सी। ये था ए और ये था बी, जब हम जोड़े तो मिला सी, भाई दो को जोड़ेगो तो तीसरा बनेगा ना। अब यही रूल इस पे लगाओ, पहले एक चेक करो बी प्लस सी क्या एफ के इक्वल होगा, बी किधर है, देखो बी कहाँ है, किधर गया बी, बी नीचे है, चलो बी बना लेते हैं एक बार, बी बन गया नीचे, बी सी को लिखो, सी किधर है भाई, बी से सी, सी जा रहा है इधर, ठीक है। तो क्या ये जो वेक्टर आएगा एफ होगा, इधर एफ देखो कहाँ है, बिल्कुल गलत बात है,
एफ तो इसके उल्टा आ रहा है, हम जो एडिशन कर रहे हैं अगर बी ऐसे है सी ऐसे है तो एफ ऐसे आएगा यार, और जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एफ ऊपर दिया हुआ ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, गलत है। सी चेक कर लो, सी डी डी बनाओ, डी ऊपर गया, डी ऊपर गया, अब यहाँ से मैं सी ई बनाऊँ, ई किधर गया, ई लेफ्ट साइड गया, ठीक है, अब यहाँ से जहाँ से चले थे मिलाऊँगा तो एफ बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है, जो हमारा एफ आया वो उसका एफ मैच कर गया, मतलब सी ऑप्शन सही है, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है ना। द एडिशन ऑफ द वेक्टर, चलो द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्स स्पीड एट प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। अब जो प्रोजेक्टाइल होता है क्या उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है? बिल्कुल होती है। क्या स्पीड एक्स डायरेक्शन में होती है? ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, इस स्पीड एक्स डायरेक्शन में नहीं बोल सकते बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? बिल्कुल गलत, जीरो होती है। क्या वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? हाँ होती है। क्या वेलोसिटी वाई एक्सिस में होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल जीरो होती है। अरे वाई एक्सिस में जीरो होती है, सॉरी वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो होती है यार, ठीक है, तो इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा होती है। वाई एक्सिस में वेलोसिटी अगर मैं यू से प्रोजेक्ट किया हूँ, अगर ये थीटा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी होती है वो एक्स एक्सिस में होती है क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी जीरो होती है, क्लियर है। चलो तो ये कहता है कंडीशन लगा दो, कहता है कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज मैक्सिमम हाइट इज हाफ, जो स्पीड है यू कॉस थीटा है दैट इज हाफ u cos theta हाफ ऑफ द इनिशियल प्रोजेक्शन, u का आधा है, ठीक है, तो u का आधा है तो u ने u को और cos theta तो theta इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, मतलब कहाँ गए भाई, ए ऑप्शन सही है, ये क्लियर है। चलो ये कहता ग्राफिकल क्वेश्चन है टू डायमेंशनल मोशन का, एक पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि उसका डिस्टेंस टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है। अब कहता है इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, तो किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ये बात हम कैसे पता करेंगे। चलो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ds अपॉन dt या dx अपॉन dt जो भी बोल लो, ये जब मैक्सिमम होगा स्लोप, ये क्या होता है tan थीटा, इंस्टेंटेनियस स्लोप है ना, xt डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो जो इसका स्लोप होता है tan थीटा, अगर ये मैक्सिमम हुआ ना, tan थीटा मैक्सिमम हुआ, ठीक है, तो स्लोप मैक्सिमम हुआ, अगर स्लोप मैक्सिमम हुआ तो वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, और आपको चेक करना पड़ेगा कि स्लोप कहाँ मैक्सिमम है। स्लोप कैसे चेक करते हैं? तो स्लोप चेक करते हैं टेंजेंट बना के, ठीक है, अब डी कहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है, तो डी पॉइंट यहाँ है तो डी पॉइंट कुछ ऐसा, ए पॉइंट पे कुछ ऐसा एंगल, ये है एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा, डी पॉइंट पे लगभग जीरो एंगल आ रहा है, सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्लोप है, देखो सी पॉइंट, ये जो पॉइंट सी है वो उस पर टेंजेंट ऐसे आएगा और एक्स एक्सिस के साथ एंगल टेंजेंट है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये है जो बड़ा वाला डीप बना रहा हूँ दे, वो सबसे ज़्यादा एंगल है, ठीक है, फिर डी पॉइंट पे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ए पॉइंट पे और बी पे थोड़ा सा, सी से तो कम ही होगा भाई, बी पे टेंजेंट इधर आएगी, ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा बी पे, तो ये तो थीटा ज़्यादा है, तो सी पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्लोप है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, टेन थीटा मैक्सिमम है। अब ये एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार रिसेंट में भी आया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 2D प्लेन के मोशन का भी है, बट कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का। कहता है पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी भी 45 डिग्री पर, एक पार्टिकल को मैंने 45 डिग्री पर यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, अब जब ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, तो लैंड कहाँ करेगा, हमने यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया प्यारे बच्चों और यहाँ पे आके लैंड किया, ठीक है ना, यहाँ पे आके लैंड किया, पॉइंट ऑफ लैंडिंग है।
अब कहता है कि द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन इट्स मोमेंटम, नहीं पार्टिकल मूव ग्राउंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक है। तो मास एम था, वेलोसिटी बी थी, अब समझना इसको, है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसका मास एम है, वेलोसिटी या वेलोसिटी बी है ना, तो वेलोसिटी बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी बी, जब लैंडिंग पे है तब मोमेंटम में चेंज निकालना वेलोसिटी। आपको पता होगा कि जब लैंड करता है तो ये जो वेलोसिटी वी कॉस 45 है एक्स एक्सिस वाली, और ये जो वेलोसिटी है वो वी वी कॉस 45 है, ये कभी चेंज नहीं होती है, और ये है वी साइन 45, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लगता है। तो ये जो वेलोसिटी जब पार्टिकल लैंड करता है तो ये वी साइन वाली जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब ये आ जाएगा वी बाई रूट टू, ऐसे आ जाएगा जो कि ऊपर था वी बाई रूट टू। ये जो वेलोसिटी थी जो ऐसे थी वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे ऐसे हो जाती है, ठीक है, और ये नेट वेलोसिटी ये वी जिससे प्रोजेक्ट किए थे प्लस थीटा पे माइनस थीटा पे वी से लैंड करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट किए थे और ऐसे लैंड करेगा, और उसका एक्स वाला कभी बदलेगा नहीं। अब जब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ही नहीं बदली तो चेंज इन मोमेंटम एट एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पर रहे वो तो जीरो ही होगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज जीरो ऑलवेज। प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में या एच हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं बदली, मोमेंटम कभी नहीं बदलेगा। अब बदला तो वाई एक्सिस में बदला, तो मोमेंटम चेंज कैसे निकालते हैं, तो मोमेंटम चेंज निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वेक्टर में चाहते तो वेक्टर में कर लो, बाद में स्केलर में कर देना। फाइनल मोमेंटम लिखो नीचे माइनस एम वी जे के, माइनस साइन फार्मूले से चेंज निकालने की वजह से, और ऊपर ऊपर एम वी जे के, तो चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एम वी जे के आया, जो कि चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड आएगा। और मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डाल दो, तो वेलोसिटी रूट टू था ना भाई, तो वेलोसिटी रूट टू था, तो माइनस टू एम बी बाई रूट टू, मैग्नीट्यूड ये रूट टू था, चलो रूट टू, ये रूट टू था, ठीक है, तो रूट टू था। इसका मतलब ये हुआ कि रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है, तो टू ने टू को, तो माइनस प्लस टू एम मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ ना, तो एम बी रूट टू दैट इज द चेंज इन मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका नीचे होगा वेक्टर में देखोगे तो, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये अब किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, फाइनल मोमेंटम निकालो, इनिशियल मोमेंटम निकालो, मोमेंटम तभी भी निकाल पाओगे जब वेलोसिटी पता होगा, वेलोसिटी आपको निकालने आता होगा। एक्स एक्सिस में मोमेंटम चेंज हमेशा जीरो होता है तो उसको हम बात ही नहीं करेंगे। टोटल चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। ए एंड बी आर टू वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा है, और ऐसे एक रिलेशन दिया हुआ वेक्टर में, तो थीटा कितना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि वेक्टर बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये आपको आना चाहिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड बराबर है रूट थ्री ए डॉट बी के। ए डॉट बी, ए डॉट बी अपने आप में स्केलर है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड मॉड लगा है, डायरेक्शन भूल जाऊँगा, ठीक है, रूट थ्री कहाँ से आया, कंडीशन से। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो ए बी ने ए बी को, ठीक है, और टेन थीटा आ गया रूट थ्री, तो टेन थीटा आ गया रूट थ्री, तो टेन थीटा अगर रूट थ्री आएगा तो रूट थ्री अगर टेन थीटा आता है तो थीटा 60 होता है ना, रटे हो ना इसको, हाँ तो रट लो इसको पूरा अच्छे से, मतलब इसको रट लो। चलो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्टिकल ओरिजिन से मोशन करता है, चलो देखते हैं कहाँ जाता है, एक्स वाई, चलो ओरिजिन से चलता है भाई, जीरो कमा जीरो कमा जीरो कमा ओरिजिन से चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है स्ट्रेट लाइन, सीधी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम, ओरिजिन से जाता है और स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ओरिजिन से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन है, तो ये मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है। ए पार्टिकल कुछ टाइम बाद, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव दिया है, तो ये रूट थ्री और ये थ्री कोऑर्डिनेट यहाँ पी पॉइंट पर है,
और उसको टाइम बीत चुका है टी। तो कहता है द लाइन मैक्स विथ एक्स एक्सिस पाथ, ये पार्टिकल का पाथ है यार। अब ये पाथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बना रहा है और यही मुझे निकालना है। तो ये थीटा निकालना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ये वाई है तो ये थ्री है, ये रूट थ्री है, तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा कितना आ जाएगा भाई, टेन थीटा आ जाएगा भाई थ्री बाई रूट थ्री। और अगर थ्री बाई रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, रेशनलाइज कर दो इसको, रेशनलाइज कर दो, तो थ्री ने थ्री को ये तो रूट थ्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अरे भाई रे भाई, मैं 60 डिग्री, मैं 45 लिखने जा रहा था, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। मैनुअल जो मिस्टेक है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बहुत सारी गलती हो जाती है। कहता है कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, अब देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, चलो यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया यू से हॉरिजॉन्टल से थीटा टे और ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं फेंक दिए कि वापस ही नहीं धरती पे, ठीक है। तो कहता है द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अगर आपको पता है कि ये 45 जो ये एंगल है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा है, और जो बीटा है वो 45 माइनस थीटा है, माइनस थीटा है, ठीक है, अलग दो अलग अलग एंगल है, एक 45 प्लस थीटा है, 45 माइनस थीटा है, तो उनका हॉरिजॉन्टल रेंज। अब एक कॉन्सेप्ट है जो जो इस कॉन्सेप्ट को याद किए होंगे, प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, पढ़े होंगे, उन सबको पता होगा कि जो 45 प्लस थीटा पर 45 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है। तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कि 45 प्लस मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंक देते हो, ठीक है, और फिर हॉरिजॉन्टल से हाँ 40 हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंक देते हो, या यहाँ से कुछ जो है वो इनका सम 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री पर फेंक देते हो, तभी भी रेंज सेम ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है, जिनका सम 90 हो, ठीक है, तो रेंज सेम होता है। कैसे, रेंज का फार्मूला देख लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, दैट इज अपॉन जी। अब पहले के लिए लगाएंगे आर वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन, पहले में एंगल है 2 साइन 45 प्लस थीटा, दैट इज अपॉन जी। और 45 प्लस थीटा जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 2 थीटा, 90 प्लस 2 थीटा अपन जी, साइन 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा अपन जी आ गया, दैट इज रेंज आर वन, ठीक है। उसी तरह से 45 माइनस थीटा लिखोगे तो रेंज आर टू वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा और अपन जी। अब इंटरेस्टिंग बात है, 90 माइनस 2 थीटा अगेन प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा दैट इज अपॉन जी, वहाँ बीटा की वैल्यू रख दो तो रेंज आर वन बराबर हो जाएगा आर टू के, मतलब इनका रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यार रिजल्ट है यार, इसको याद कर लो कि 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, या थीटा की जो वैल्यू है अलग अलग एंगल कॉम्प्लीमेंट्री 90 है तो वो रेंज सेम होता है, ठीक है। चलो कहता हम लोगों के पास दो वेक्टर है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, सच दैट एंगल बिटवीन द डैम। अब ये एंगल बिटवीन द डैम, ये इससे कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ए प्लस बी का मॉड दिया है यार, ए प्लस बी का मॉड दिया है, समझ रहे ना, और ए माइनस बी का मॉड है, मॉड मतलब इनका मैग्नीच्यूड है भाई, तो ये मैग्नीच्यूड है, मैग्नीच्यूड तो मैग्नीच्यूड लिख दो, फार्मूला रटा रटा आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट। तो रूट जब रूट दोनों है हट गया, ए ने एक ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो यह आ जाएगा 4AB कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि AB का प्रोडक्ट कैन नॉट बी 0, नल वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू ही 0 होती है, ठीक है, मतलब
बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डाउट में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बच्चे डाउट पूछते हैं। इसमें कहता है दो बॉय हैं, एक का नाम ए है, नहीं दो बॉय हैं, हाँ एक स्ट्रेट लाइन के एंड पे ए एंड बी पर खड़े हैं और उनके बीच का डिस्टेंस ए है। बॉय बी स्टार्ट रनिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी बी वन। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग सिमल्टेनियसली विथ स्पीड बी एंड कैच द टाइम टी बाय। तो टी की वैल्यू निकालो। चलो अब क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ बेहतर तरीके से कि ये का क्या रहा है। दो बॉय हैं, ठीक है, एक एक का नाम चलो ए रख दो, एक का नाम बी रख दो, और ए यहाँ पर है और ये एक यहाँ पर है, और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए है। अब जो है बी वाला बॉय ए बी के परपेंडिकुलर दौड़ता है, ए बी लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर तो वर्टिकल वाली लाइन आएगी, इधर भागेगा। चलो तो ये ऊपर जाने लगा, मान लो ऊपर जाने लगा, जाने दो इसको, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही टी इक्वल टू जीरो से ऊपर जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पर ए बी दौड़ना स्टार्ट करेगा, और इस तरह से दौड़ेगा कि इसकी इच्छा है कि इसको पकड़ ले, इसकी इच्छा है कि इसको पकड़ ले। अब ये इसको कैसे पकड़ेगा यार, अब उधर जाएगा तो थोड़ी पकड़ेगा, ठीक है, पागल है क्या। तो ये इधर ही दौड़ेगा, इसकी साइड मान लो, ये इधर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये थीटा डिग्री पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का मिलन हो गया है, ठीक है, ये दोनों पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया, और टाइम बीत गया टी। तो ये दौड़ता है कौन, किसकी वेलोसिटी दी हुई थी, ठीक है, तो द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी वी वन, ठीक है, परपेंडिकुलर ये जो है वो वेलोसिटी वी वन से दौड़ता है और ये वेलोसिटी वी से दौड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों को टी निकालना, टी टाइम बाद पकड़ लेता है, तो टी की वैल्यू निकालना है। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है, मैं देखो कैसे करता हूँ, और वैसे तुम करना इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो, अगर ये जो वेलोसिटी वी है, यहाँ से जो वी वेलोसिटी पे पकड़ रहा है, तो अगर मैं वी के कंपोनेंट करता हूँ, वी के कंपोनेंट करता हूँ, तो वी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और वी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बच्चा ऊपर भागता परपेंडिकुलर और ये भी ऊपर भागता परपेंडिकुलर, तो क्या ये कभी पकड़ पाएगा क्या इसको, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है, इस बच्चे का जो वेलोसिटी थी, उसका जो भी साइन थीटा है, वो इसके इसको पकड़ने में कोई रोल ही नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट्स नॉट एनी कंट्रीब्यूशन इसको पकड़ने में। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कॉस थीटा का है, ठीक है। तो अगर टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस उधर ही होता है जिधर वेलोसिटी होती है यार, है ना, ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस मतलब यार 10 एक बच्चा इधर भाग रहा है और तुम इसको पकड़ रहे हो इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसका इधर है और वेलोसिटी इधर करा दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, जिधर की वेलोसिटी उधर की डिस्प्लेसमेंट। तो जब बच्चा यहाँ पर था तो इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए हुआ जब इसको पकड़ लेगा तो, और उसकी वेलोसिटी वी कॉस थीटा हो गई। तो टाइम लग जाएगा, टाइम डिस्टेंस ए अपान वी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा एक अननोन है, कॉस थीटा एक अननोन है, तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसको मैं वेलोसिटी के टर्म में लिख रहा हूँ सभी साइड, ये वी वन है, ये वी है, तो ये बेस कितना हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू ए अपन वी, और कॉस थीटा अपन वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, बी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, बेस कितना भैया, बेस है वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है, और बी वाई एच, एच कितना भाई, एच है बी। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट और ये बी, तो बी ने बी को, बी ने बी को, तो फाइनली ए अपन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, इतने टाइम बाद पकड़ लेगा इसको, इतने टाइम बाद इसको पकड़ लेगा, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है। ए को अंदर कर दिया, कर कोई बात नहीं, ठीक है, हम भी अंदर कर सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये करने को, देखो अगर इसको ऐसे भी कर सकते हो,
चलो ये अगर मान लो ये दौड़ा भी से और ये गया भी वन से, यहाँ दोनों मिल गए और ये थीटा है, ठीक है। अब ये इस बी वाले को यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो टी है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस पता हो जाए, ठीक है, तो इसे टी से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा। तो जो भाई इसको बी वाले को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगेगा और इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगेगा। टाइम जो मीटिंग का टाइम हो तो सेम होगा ना। तो जो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वाई, वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड बी वन, ये भी सोल्यूशन सही देगा। तो वाई तो हमें पता ही नहीं है ना, तो ए पता है ना ये कितना है, ठीक है। तो ये पता तो थीटा कितना, वाई निकल जाएगा तो टेन थीटा कॉस थीटा, हाँ टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो वाई की वैल्यू ए टेन थीटा आ गई, मतलब ए टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू भी वन। अब थीटा की वैल्यू ला के रख दो टेन थीटा, तो इस ट्राइंगल में ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, वी वन स्क्वायर अपन ई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ए अपन वी वन, और टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से वेलोसिटी के टर्म में सभी लिखा हो, तो इस ट्राइंगल से आ जाओ टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई वी, वी वन अपन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट। तो वी वन ने वी वन को, ठीक है, तो टी देखो पहले वाला ही सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम बहुत मतलब इसको लगा सकते हो यार, ठीक है। चलो कहता है ये देखो, ए स्टोन इज टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है उससे मैंने एक स्टोन अटैच करके घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी जो रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे दी हुई है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है, दिस स्ट्रिंग इज 1 मीटर, और उससे मैं एक स्टोन अटैच करके ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। और ये कहता है कांस्टेंट स्पीड से चला, बी केयरफुल, कांस्टेंट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्टोन जो है 22 रिवोल्यूशन करता है 44 सेकंड में, 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, ठीक है, 44 सेकेंड। तो 44 सेकेंड में 22 रिवोल्यूशन करता है, मतलब ये हुआ फॉर वन रिवोल्यूशन, ठीक है, वन रिवोल्यूशन। तो वन रिवोल्यूशन में जो टाइम लगा, पूरा टाइम 44 सेकेंड लगा, तो 44 अपॉन 22 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है भाई। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो है वो 44 सेकेंड है और टोटल रिवोल्यूशन 22 है, तो 44 में से 22 से डिवाइड कर देते, एक रिवोल्यूशन में आ गया 2 सेकेंड लगा, और एक रिवोल्यूशन में लगा हुआ टाइम स्पेशल टाइम होता है सर्कुलर मोशन में, वो होता है टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ गया ना? तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाए, न्यू आ गया 1/2 सेकेंड, है ना, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 1/2 सेकेंड। अब कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, मतलब स्टोन की एक्सेलरेशन निकालनी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन का क्या मतलब है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आ जाएगा, वो आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर या ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपन टाइम पीरियड और आर, ठीक है। तो अब वैल्यू डाल दो, तो 2 पाई और टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब 4 पाई स्क्वायर और या 4 और टाइम पीरियड रेडियस 1, इसका मतलब ये हुआ कि पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है स्टोन का। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, किसी बुक में इसमें दो दो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, बी भी दिया हुआ और ए भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल, और बाहर की डायरेक्शन में उतना ही होगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। देखो जब एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन ग्राउंड से ऑब्जर्वर काउंट करता है, और जब मैं अब ग्राउंड से देखूंगा तो मैं सेंट्रीफ्यूगल कभी काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। ये पूछा जाता एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, ठीक है, उसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता, ठीक है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल कंसिडर करते
नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर बैठा है, इस पे कोई बैठा है, इस स्टोन पे ही बैठ गया है और वो उसी के साथ घूम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सलेशन कितना होगा, तो बी ऑप्शन सही रहता। लेकिन सिर्फ एक्सलेशन पूछा है तो मैं ग्राउंड से कंसीडर करके चल रहा हूं, दैट्स वाई द ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो ये कहता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर है ए एंड बी, थीटा है, चलो ये दो वेक्टर है ए एंड बी, एक प्लेन में है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी प्लेन में ही रहते हैं, तो चलो ये मैं इनको प्लेन में ही बना लेता हूँ। तो ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, थीटा डिग्री पर है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, थीटा डिग्री पे है। अब कहता है कि मैं ए क्रॉस बी करूँ और साथ साथ ए के साथ डॉट लूँ, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, तो चलो ए क्रॉस बी करते हैं पहले। आपको सबको क्रॉस करने आता है, ए क्रॉस बी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। अभी वेक्टर ऐसे है तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी बोर्ड के, ए क्रॉस बी अगर मैं बोर्ड के प्लेन में ए मेरा ऐसे है और बोर्ड के प्लेन में बी मेरा ऐसे है, ठीक है, थीटा बी मेरा ऐसे है, तो जो ए क्रॉस बी करोगे तो वो वेक्टर बोर्ड के बाहर आएगा और उसका नाम होगा सी, ए क्रॉस बी, दाहिना हाथ ए क्रॉस बी, तीनों वेक्टर इसी हाथ में ही होते हैं, ए बी सी, ठीक है, तीनों वेक्टर इसी हाथ में है, ए बी सी, ठीक है। तो जो सी वेक्टर आया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वो बाहर आया। अब तुम ध्यान से अच्छे से देखो कि ये जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी ए के साथ कितनी डिग्री पे है, हमेशा 90 पे होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बी के साथ ऑलवेज 90 पे होता है, ए क्रॉस बी इन दोनों प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो जब इसके साथ डॉट लोगे मेरे भाई तो जीरो ही आएगा। सी वेक्टर बाहर आया ना, ए क्रॉस बी को मैं नया वेक्टर बोल देता हूँ, ए क्रॉस बी को नया वेक्टर अगर मैं सी बोल दूँ, तो ये पूछ रहा है कि सी डॉट ए कितना होगा, सी डॉट ए, तो सी ए कॉस 90 दैट इज जीरो, ठीक है, मतलब ये डी ऑप्शन सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये कहता है अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है, और वो दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो एक अल्फा एक अननोन आ गया है इसमें, तो उस अननोन की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप + 3j कैप, ठीक है, + 8k कैप, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए डॉट बी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ए को लिखा, फिर डॉट लिया बी को, बी कहाँ गया भैया, 4j कैप - 4i कैप + α k कैप दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब सबको आता होगा डॉट लेने, आई का आई, जे का जे, के का के, तो टू आई का आई के साथ करो, आई किधर है, माइनस इधर है, बच्चे हैं मैनुअली गलती कर देते, तो या 2i इधर है और -4 इधर है, तो यह जाएगा -8, ठीक है, 3j इधर है और j इधर है +12, ठीक है, +8k इधर है, अल्फा के इधर है, तो 8α दैट इक्वल टू जीरो, तो 8 × 4 = 4, ठीक है, 4 = α - 1/2, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है, आता नहीं यार जोड़ने। ये कहता देखो दो वेक्टर, देखो कितना क्वेश्चन आया यार वेक्टर से ना, आपको लग रहा होगा कि वेक्टर से क्यों, क्योंकि देखो कोई भी आदमी जो थोड़ा भी फिजिक्स पढ़ा लिखा है उसको आता है, या कोई भी स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट रखता है फिजिक्स में, उसको सबसे अच्छा लगता है वेक्टर। वेक्टर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बार बार यूज होगा, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व रहता है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, इस पर हमारी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो कहता है दो वेक्टर है, ए क्रॉस बी, भैया दो वेक्टर है, चलो इनका क्रॉस ले लो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है और ये √3 है,
और ए डॉट बी है, ए डॉट बी एक स्केलर है, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर में रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो गया और ये मैग्नीट्यूड है। तो कहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जैसे ही तुम निकालने जाओगे, ठीक है, तो तुम लिखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कॉस थीटा और अंडर रूट, है ना, इतना तो आता होगा भैया। चलो, तो जैसे ही तुम ये क्रॉस बी लिखोगे तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि एक अननोन आ जाएगा थीटा। अब यार एक थीटा अगर अननोन आ गया तो मैं थीटा को कहाँ से उठा के ले गया हूँ भाई, तो थीटा यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो थीटा मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, मॉड लगा तो एन कैप गायब हो गया, और रूट थ्री ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी ने ए बी को, ठीक है, तो थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब टैन थीटा अगर रूट थ्री है तो थीटा की वैल्यू 60 होती है यार, है ना, तो अगर 60 होती है ए उठा के डालोगे यहाँ तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 60 वन बाई टू अंडर रूट, तो 1/2 ने इस 2 ने 2 को, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और की पावर 1/2, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये कहता है सम ऑफ द टू वेक्टर, दो हम लोग के पास दो फोर्स है यार, ठीक है, एक का नाम F1 रख दो दूसरे का नाम F2 रख दो, क्या दिक्कत है, नाम दिया ही नहीं है यार, एक का नाम रामू श्यामू रख दो, कुछ भी सबसे फेमस नाम। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, उनका सम उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, समझना, दो वेक्टर हैं उनका सम करूंगा फिर उनका डिफरेंस उनके आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस बेसिस पे ये इसमें से सही कौन सा है, तो ये बात मुझे पता ही नहीं है कि वो उनका एंगल कैसे है, तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हमें पता चलेगा। एक का नाम F1 रख देते हैं, दूसरे का नाम F2 रख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का सम F1 प्लस F2 का सम मैग्नीट्यूड मॉड, द सम ऑफ द टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, तो इनका सम जो है वो मान लेते हैं वेक्टर वेक्टर पी आया, ठीक है, वेक्टर पी मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है, वेक्टर पी आया, उनका डिफरेंस एफ वन माइनस एफ टू इनका डिफरेंस किए तो इनका मैग्नीट्यूड क्यू आया, तो ये कहता है पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर हैं, देयर सम इज परपेंडिकुलर टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी डॉट क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पी डॉट क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि एफ वन प्लस एफ टू मॉड एफ वन प्लस एफ टू डॉट एफ वन माइनस एफ टू डॉट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर ये इनका सम द सम ऑफ द टू वेक्टर परपेंडिकुलर डिफरेंस इन तो इन दोनों में से क्या होगा, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो अब इनका डॉट अगर जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा, अब डॉट करो F1 का F1 के साथ डॉट करो, तो खुद के साथ डॉट करते हैं, ठीक है, तो F1 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2, ठीक है, प्लस F1 डॉट F2, डॉट प्रोडक्ट है, मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, F2 डॉट F2 दैट इज इक्वल टू आएगा माइनस F2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस F2 cos theta, तो देखो ये जो माइनस F2 cos theta ये ख़त्म हो गए, ठीक है, और यहाँ से F1 F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर दैट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ F1 माइनस F2 और एक आ जाएगा F1 प्लस F2 दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब F1 F2 आपस में मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड में
इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है, दे आर इक्वल टू इच अदर इन मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इक्वल टू इच अदर, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर जो सोल्यूशन मिला f1 वन प्लस एफ टू दैट इक्वल टू जीरो, मतलब f1 वन माइनस एफ टू दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों वेक्टर प्यारे बच्चों इक्वल है, तो पहला ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकता ना यार, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिल्कुल गलत बात है, दे आर इक्वल इच अदर इन मैग्नीट्यूड सही है, दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड गलत है एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, क्यों नहीं प्रिडिक्टेड हो सकता, ठीक है, चलो नेक्स्ट ये खुद सॉल्व करो, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। कहता है एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है, रेडियस है 20/π, क्लियर है, ये बात हमको पता है कि रेडियस 20/π है विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन, ध्यान देना कि टेंजेंशियल एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और किसी भी इंस्टेंट लीनियर स्पीड जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन, आफ्टर द सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ द मोशन, मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक रोटेशन में 2π, तो सेकेंड रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलो, 4π, एक बार घूमने में 2π, तो दो बार घूमने में 4π, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन एक ही वैल्यू निकालनी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक ही वैल्यू, अब एक ही वैल्यू कैसे आएगी यार, ठीक है, एक ही वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो रेस्ट से चला है, ठीक है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द सर्किल विद इफ द वेलोसिटी पार्टिकल एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेक्शन बी गेट टेंजेंशियल एक्सलेशन, तो ये जो है पार्टिकल के जो है ओमेगा, ओमेगा तो ये, तो अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी थीटा लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे टेंजेंशियल एक्सलेशन मिल जाएगा यार, ठीक है, तो भी इज इक्वल टू होता है क्योंकि इनिशियली मैं रेस्ट मान लेता हूँ तो अल्फा थीटा दैट इज द ओमेगा, अब भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ये आ जाएगा भी अपॉन आर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर होता ना यार बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू और अल्फा, और ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन आर और ए थीटा, तो यहाँ से जो ए है वो लीनियर एक्सलेशन ही है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो वेलोसिटी बी की वैल्यू रखो आर, एक आर ने आर खत्म को कर दिया, तो लीनियर एक्सलेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर थीटा, अब वैल्यू डाल दो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है, चलो, और आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू 20, हमने एक लिटिल बिट मिस्टेक किए हैं भैया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये 2 थीटा होता है ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस होता है, तो वही कर रहा हूँ, 2 मिसिंग था यहाँ, तो दैट इज 40, तो 40 ये पाई नहीं आएगा, यहाँ सही कर लेना, 40 मीटर पर सेकेंड, द टेंजेंशियल एक्सलेशन इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट नॉट इक्वल टू पाई, क्लियर है, चलो, ये कहता है पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, एक पार्टिकल को हम कुछ हाइट से गिराते हैं, ठीक है, और उसके बाद 5 सेकेंड बाद नहीं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सम हाइट एंड अदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक को हमने नीचे गिराया और दूसरे को हमने प्रोजेक्ट कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आप सबको पता है प्रोजेक्टाइल पड़े होंगे कि अगर एक बिल्डिंग से एक को ड्रॉप करते हैं और एक को हॉरिजेंटली फेंक देते हैं तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को कोलिजन करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से दोनों सेम टाइम को ग्राउंड पे कोलिजन करते हैं, बोथ द ग्राउंड कोलाइड कोलिजन विद सिमल्टेनियसली, सी ऑप्शन सही है, क्या प्रूव कर दूँ, ठीक है, पढ़े हो थियोरी में, नहीं पढ़े हो, चलो एक बार कर देता हूँ, अगर ये ग्राउंड है, एक को यहाँ से हमने ड्रॉप किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक को यू वेलोसिटी से थ्रो किया जो ऐसे जाएगा, तो वो दोनों ग्राउंड पे सेम पहुँचते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिल्डिंग की जो डिस्प्लेसमेंट है वो उन दोनों की सेम है, तो एस इज इक्वल टू यू टी लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो वाई एक्सिस में,
पहले वाले के लिए लगाओ तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एच हुआ, जब ड्रॉप हुआ था तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, ग्राउंड तक आने में टाइम टी लग गया पहले वाले पार्टिकल के लिए। दूसरा जो है वो एक्चुअली फेंका गया है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसकी वाई एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है दूसरे वाले के लिए, तो इसके लिए अगर एस इज इक्वल टू यू टी लगाओगे तो वो भी हाफ जी टी स्क्वायर ही आएगा। तो दोनों के लिए टाइम देख रहे हो, दोनों के लिए टाइम सेम आ रहा है। दूसरे वाला के लिए वर्टिकल में वेलोसिटी जीरो है, एस इज इक्वल टू यू टी लगाओ तो उसका भी यही आएगा। तो बोथ कोलिजन टाइम दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो अलग, ये दो मोशन कर रहा है, बट आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम कॉमन होता है, ठीक है, तो इसलिए जो टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट सेम है और ये सारी चीज़ें। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एक लेक्चर और इसमें पढ़ाऊंगा और आप इसको देख लेना, सारी चीज़ें डिस्कस मैं कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है, दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। सो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय।